आइकॉन आनंद पाल सिंह छोटे भाई आदरणीय मंदित पाल सिंह सामराज हमारे बीच पधारे हैं। बाड़मेर की पावन धरा पर आपका बहुत बहुत स्वागत। समस्त समाज के पदाधिकारीगण, सर समाज के लोग, ये वह साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आप सब अपना अपने समय निकाल कर यहाँ पधारे। साथियों इकट्ठे हुए हैं हमारे समाज के साथ में, हमारे समाज में नौजवान के साथ में जो अन्याय हुआ उसको लेकर हम इकट्ठे हुए हैं। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सभी विस्तृत जानकारी बताई। जब भी हमारे साथ समाज के साथ में जो अन्याय होता है, प्रशासन ना मात्र हमारे को सिर्फ आश्वासन देकर ही अपना समय निकाल लेता है। साथियों अब समय आ गया है, मैं प्रशासन को भी कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, आप अब ये समय नहीं है, ये समय जा चुका है। हमारे समाज के बच्चे के साथ में जो अन्याय हुआ है, निर्दोष लोग उसका तो टांगे तोड़ी है, बिल्कुल निर्दोष था, उसकी कोई दुकान में बैठा था, 20 दिन हो गए कोई कार्रवाई नहीं हुई, मुल्तिम खुले घूम रहे, धमकियां दे रहे, कि बड़ी विनम्रता है। मैं आप सबके माध्यम से प्रशासन करना चाहता हूं, आज भी आपके पास समय है, समय रहते हुए मुल्तिम को गिरफ्तार करें। ये है हरी सिंह जी पुत्र जगु सिंह जी जाति रावणा राजपूत निवासी ढाको का तड़ा साठ ऑफ धाणी धड़ाऊ, उनकी ओर से ये धारा चंदन सिंह जी के बाबत जो ज्ञापन दिया जा रहा हुआ है, इसमें ये लिखा है कि मेरे भाई चंदन सिंह जी पुत्र जगु सिंह जी दिनांक 23/3/2023 को सुबह 2 बजे हमारे पड़ोसी पूर्णा राम जी डोला राम जी गांधी घाट निवासी साढ़नों की नाड़ी जागरण कार्यक्रम में जाकर वापिस घर की ओर आ रहे थे, तब बीच रास्ते में पीछे से भगाराम जी पुत्र मेरा राम जी मोटा राम जी पुत्र भगाराम जी जाति जाट निवासी साढ़नों की नाड़ी वाला लोग लाठियों से मारपीट कर घायल कर दिया, जिस पर मेरे भाई की रिपोर्ट पेश करने में पुलिस थाना धड़ाऊ मुकदमा CR नंबर 450/2023 अंतर्गत धारा 323, 341, 333 भारतीय दंड संहिता के दर्ज किया गया था। वर्तमान जांच श्रीमान आनंद सिंह जी पुलिस अधीक्षक बाढ़ में कर रहे हैं। मेरे दूसरा बिंदु पर मेरे भाई चंदन सिंह जी के इलाज गुजरात में एज अस्पताल अहमदाबाद 17/4/2023 को रात्रि उसमें मल्टीपल द्वारा की गई थी, मारपीट में गंभीर चोट आने के कारण चंदन सिंह जी की मृत्यु हो गई। तीसरा बिंदु है मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए SFL रिपोर्ट करवाई गई थी, जो दिनांक 14/6/2023 को पुलिस थाना धड़ाऊ में आ गई है, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक उस पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। चौथा बिंदु SFL रिपोर्ट अतिरिक्त मेरे भाई की मारपीट को लेकर अस्पताल में भर्ती दस्तावेज, डॉक्टरों की प्रतियां, दवाई, डॉक्टरी प्रशिक्षण इत्यादि बिंदुओं को पत्रावली में शामिल कर उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच कराने के लिए आदेश प्रदान करावे, जिससे हमारे परिवार को न्याय मिल सके। पांचवा बिंदु है मुंजिमान ऊंची राजनीतिक पहुंच वाले हैं, धनबल की प्रभावशाली है, मुंजिमों को पुलिस द्वारा अभी तक गिरफ्तार नहीं होने पर मुंजिम के हौसले बुलंद है तथा मुंजिमान हमारे ऊपर राजीनामा करने का दबाव बना रहे हैं, आप राजीनामा कर लो। छठा बिंदु है उक्त प्रकरण में संबंध में घटना तुरंत आज दिनांक 17/4/2023 को समाज के प्रतिनिधि मंडल आपके द्वारा मिला था, ये बाड़मेर का प्रतिनिधि मंडल बात कर रहा है, आज मिला था, आश्वासन दिया था पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कोई संतोषप्रद कार्रवाई नहीं होने के कारण श्रीमान दिनांक 1 मई 2023 से तथा 30 जून 2023 हमारे द्वारा लिखित ज्ञापन देकर आपको अवगत कराया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सातवां बिंदु है संपूर्ण घटना का साक्ष्य सबूत SFL रिपोर्ट मौजूद होने के बावजूद भी पुलिस द्वारा अभी तक मुलजिमों के खिलाफ कोई कार्रवाई तथा गिरफ्तार नहीं की गई है, अतः श्रीमान से निवेदन है पुलिस थाना धड़ाऊ दर्ज CR 450/2023 SFL रिपोर्ट के अन्य शख्सों के आधार पर निष्पक्ष जांच कर मुलजिमों को गिरफ्तार करने की कानूनी आदेश फरमावे, भविजय हरि सिंह जी और समस्त रामना राजपूत समाज। यह है हमारे बीच में हमारे बीच में
राजस्थान के यूथ हाई कैंप श्री मंजीत पाल सिंह पधारे है, या कोई मेला हुआ या कोई रैली या कार्यक्रम नहीं है, एक दर्दनाक घटना के बारे में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक निर्दोष आदमी के पैर तोड़ दिए जाते हैं, एक निर्दोष आदमी जो अपने राह चलता है उसको मार दिया जाता है और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। प्रशासन से कई बार प्रतिनिधि मंडल मिलता है, पीड़ित परिवार मिलता है, पर उनका एक ही आश्वास होता है कि गिरफ्तार कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसे और भी कई मामले हुए होंगे जिनमें यही आश्वासन मिला और कुछ समय बाद वो फाइलें बंद हो गई। तो मेरी प्रशासन से भी एक गुजारिश रहेगी कि जिस प्रकार एक आदमी के जो पैर तोड़े गए, मैं आपको बता देता हूँ ये पैर तोड़े, वैसे सरकारें कई वादे भी करती है। प्रताप सिंह के बारे में हम कलेक्टर साहब से, मैं एक विस्थापित प्रतिनिधि मंडल के माते मिले थे, उसकी फोटो भी मेरे पास है, और कलेक्टर साहब मुझे बताया था कि पाकिस्तान से जो प्रताड़ित होकर हिंदू यहाँ आए थे वो इस आशा और विश्वास के साथ आए थे कि वहाँ भारत के अंदर उनकी सुरक्षा होगी, उनकी सुरक्षा की गारंटी है, परंतु यहाँ उनके हाथ पैर तोड़े जाते हैं, उनको मार दिया जाता है और प्रशासन मौन है इस पर। जब कलेक्टर साहब ने कहा इस पर तुरंत कार्रवाई होगी और गिरफ्तार कर लिया जाएगा, एसपी साहब भी वही मौजूद थे और उन्होंने आश्वस्त किया था, परंतु आज दिन तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि ये इस मेले को आप मेला ना समझते हुए एक चेतावनी के रूप में लें कि तुरंत अगर गिरफ्तारी नहीं होती है और प्रताप सिंह के साथ न्याय और चंदन सिंह जी के साथ न्याय, प्रताप सिंह एक गरीब परिवार से है, उसके पैर तोड़ दिए जाते हैं, वो लाचार हो गया, अपनी जिंदगी है उसकी अपाहिज हो गई है, उसके छोटे छोटे बच्चे है, उन असामाजिक तत्वों ने, असामाजिक तत्वों की जो जात नहीं होती है, किसी समाज का वो आदमी नहीं है, हम ये नहीं कह रहे किसी समाज ने किया है, परंतु उसके तो पैर तोड़े गए हैं, उसका परिवार में कमाने वाला कौन है, उसका भरण पोषण कौन करेगा। प्रशासन ये आश्वस्त कर देगा कि जांच चेंज हो जाएगी, जांच से न्याय नहीं मिलता है, जांच चेंज होने से प्रताप सिंह को न्याय कौन देगा, उनको गिरफ्तार करो और प्रशासन इस बात की गारंटी दे कि प्रताप सिंह के साथ उचित न्याय और उनको मुआवजा दिया जाएगा, यही हमारी प्रथम मांग है। और चंदन सिंह जी को जिनकी हत्या हुई है और उसकी जांच के अंदर हत्या पाई गई है, उन मुजरिमों को गिरफ्तार करें और गिरफ्तारी के साथ साथ जिस प्रकार आपने अन्य समाजों के साथ न्याय किया और 50 लाख रुपए दिए, सर्विस दिए, हम ये कहते हैं हमने ये कोई बड़ी मांग नहीं की है, पर चंदन सिंह के परिवार के साथ उचित न्याय करते हुए उनकी मांगों को माना जाए और उस परिवार को न्याय दे। जय हिंद, जय भारत। इसके लिए आपको धन्यवाद। सबसे पहले मैं समाज से आह्वान करूंगा, आवाज दो, आवाज दो। आज हमारे बीच हमारे सहयोगी लोक लाडले युवक के आइकॉन बड़े भाई मंजीत पाल सिंह जी इस दुख की घड़ी में हमारे बीच में पधारे हैं, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, 2-3 दिन पहले मेरे पास किसी समाज समूह का सिर्फ मैसेज आया था और फिर बाद में भाई साहब के पास भी मैसेज गया था। भाई साहब ने क्या कहा था कि पाठ सिंह जी इस मामले में क्या है, थोड़ी आप बात करके पता करो। तो मैंने हरी सिंह जी, नवल सिंह जी, बादल सिंह जी से बात की, उन्होंने कहा वास्तविक बात तो ये घटना हुई है और अभी तक पुलिस ने प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। तो भाई साहब ने निवेदन, जब भी हमने निवेदन किया कि मैं 28 तारीख को आ रहा हूँ, आप 29 तारीख का समय ले लो, मैं समाज के लिए आधी रात को तन मन और धन से तैयार हूँ। तो अब साथियों, विशेषकर समाज बंधुओं, हमारे साथ में हमारे समाज के आइकॉन दबंग लीडर मंजीत पाल सिंह जो आनंद परिवार है वो हमारे बीच में और हमारे साथ खड़े हैं। तो अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। प्रशासन अगर हमारी बात माने तो अच्छी बात है, नहीं माने तो हम दोहरा कांड क्या साम्राज्य उड़ाने के लिए तैयार है। हम कमजोर थोड़ी है, हम कमजोर नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर डबल और ट्रिपल ऊंचा आ गई है कि हमारे सामने हमारे भाई मंजीत पाल सिंह जी खड़े हैं। युवक के आइकॉन है, जब वो बैठते हैं नी मेला लगता है, ये मत सोचना कि ये बिना न्याय दे रहे या जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। अगर आप कहोगे तो ये देंगे, अगर आप 10 लोग यहाँ इनके साथ बैठ गए तो 10 दिन तक यहाँ बैठने के लिए तैयार है। ऐसे हमारे नौजवान मंजीत पाल सिंह हमारे साथ है, तो हमारे को करने की जरूरत नहीं है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब भी मंजीत पाल सिंह को आप कहीं भी बुलाओगे, हमसे वादा करते हैं, उनकी टीम वादा करती है कि मंजीत पाल सिंह जी एक छोटे से गरीब से लेकर समाज नहीं 36 स्कूल के अंदर तन मन धन से आने के लिए तैयार है। लेकिन जब मंजीत पाल सिंह जी आपको आह्वान करे तो आपको भी हाथ खड़े करके
उनपे आह्वान बढ़ाना पड़ेगा। समस्त समान बंधु हाथ खड़े होकर आश्वासन दे, जब भी आप बोलोगे हम तन मन धन से मंदिर भगवान जी के साथ हैं। नहीं करनी है जिससे बाद में क्या है कि मंजीत पाल सिंह को कोई अफसरों का उड़ा हुआ कि आपका नेतृत्व तो सही नहीं था, आपके लोगों ने हृदय बताया टीका टिप्पणी की, प्रशासन के ऊपर भी बड़े आरोप लगाए, अपने को स्वयं पूर्ण तरीके से ज्ञापन देना जाना है, इनके नेतृत्व में जाना है। बादल सिंह ने जो ये इस प्रकार का जो मजमे आप इकट्ठा किया है इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जोधपुर चंबा के और भामाचा है, भामाचा सब कुछ कर सकता है आज की तारीख, इनकी उम्र पड़ी है आगे आगे कदम बढ़ाने के लिए जरूर एक दिन इनको लाभ मिलेगा अगर इस प्रकार ये सबको समझ से बिठा